भगवान कोई भी लीला करते हैं, जैसे महाराज किया तो महाराज में 16,000 गोपियों के साथ में 16,000 कृष्ण प्रकट कर दिए, बसदेव जी की हथकड़ी बेड़ी कट गई, पहरे वाले सो गए, वहाँ मथुरा में भी सबको सुला दिया, यहाँ भी सबको सुला दिया, कब बसदेव जी लेके आए, कब वापस चले गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। जब ये खुद वहाँ मथुरा पहुँची हैं, वहाँ इन्होंने रोना प्रारंभ किया है, जब सबको मालूम पड़ी है, जब सम्मोहन टूटा है। माया भगवान की पावर शक्ति, इन्हीं के द्वारा भगवान सारी लीला करते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता है ना, तो पहले से सारी सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है। ऐसे ही जब भगवान कोई से भी रूप में अवतार लेके आते हैं ना, तो सारी व्यवस्था योग माया के हाथ में होती है। ये भगवान की खुद की योग माया है, भगवान की शक्ति स्वरूपा योग माया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी को हम जोजो ब्रज की स्थलियाँ दिखाते हैं, वो दर्शन, वो आनंद, उसकी अनुभूति आप स्वयं आके करेंगे तो बहुत आपको लाभ मिलेगा, यही हम आपसे कहते आए हैं। आज मैं आप सभी को जहाँ पे लेके आया हूँ, ये स्थान है गोकुल। गोकुल में जहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ, ये है योग माया जी का जन्म स्थल। यहाँ की जो कथा अभी हमने सुनी है, उसका आनंद वो आपको आगे पता चलेगा, आप वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत आनंदमय दर्शन होते हैं यहाँ पे और बहुत आनंदमय यहाँ की कथा है। यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, उन्होंने जो अभी हमें कथा बताई, जो हमने अभी कथा सुनी है, जैसे कि मैं आपको बताना भी ये भी चाहूँगा, पहले हम स्वयं कथा सुनते हैं, देन फिर हम आप सभी के साथ उसको शेयर करते हैं। तो जो हमने अभी आनंद लिया है, वो आपको आनंद हम अभी आपको देंगे, और अभी वो आप कथा सुनेंगे तो आपको वो आनंद की प्राप्ति होगी। चलते हैं मंदिर के अंदर, और मेरे बैक साइड में ही यहाँ पे यमुना जी बहती है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सभी यात्रीगण जो दर्शन करते हैं, बोट में समीप से जाके दर्शन करते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, और यही वो स्थान है जो कहा जाता है कि वासुदेव जी यहीं से यमुना जी पार कराई थी, वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को, तो यहीं से वो आए थे गोकुल में। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ योग माया जी के मंदिर में, जो कि आनंदमय दर्शन है। चलते हैं अंदर और अब आपको आगे की कथा अंदर बताएंगे मंदिर के। ये एक लंबी गैलरी है जो प्रवेश है, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी के नेम प्लेट मौजूद हैं, यानी कि नेम प्लेट इन द सेंस कि यहाँ पे जो पत्थर लगे हुए हैं उनमें सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बारे में कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं पुजारी जी से पूछूँ और इसके बारे में आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो ये नाम है, इस तरीके से नाम यहाँ पे सभी के नाम मौजूद है, वो यहाँ पे क्यों है और किन के नाम है, वो भी हम पूछेंगे। यहाँ पे जो दर्शन है वो है सामने योग माया जी के। चलते हैं अंदर। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। यहाँ पे योग माया जी के जो दर्शन हो रहे हैं उसके बारे में बताइएगा और यहाँ की कथा के बारे में बताइएगा आप हमें। बोलो योग माया की जय। ये नंद बाबा यशोदा जी की बेटी हैं, भगवान कृष्ण की बहन योग माया। यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन यशोदा जी के गर्भ से माँ का जन्म हुआ है। ये जन्म स्थान है योग माया का। मथुरा में भगवान का हुआ था कारागार में देवकी के गर्भ से, तो बसदेव जी मथुरा से भगवान को यहाँ लेके आए हैं, इनको बदले में मथुरा ले गए हैं, अदला बदली किया ना इन्होंने ही। फिर मथुरा पहुँच करके आकाशवाणी करके कंस को बताया है, दुष्ट मामा कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल तेरा शत्रु जन्म ले चुका है, तू अपनी रक्षा कर। यही माँ फिर कंस को बता के आकाशवाणी करके वहाँ से अदृश्य होकर के अंतर ध्यान होकर के बनारस के पास में जो मिर्जापुर है ना, वहाँ विंध्याचल नाम का पर्वत है, उस पर्वत पे जाके विराजमान हुई हैं, तो वहाँ इनका नाम बिंदवासिनी पड़ा है। यही बिंदवासिनी के स्वरूप से विराजती हैं। बसदेव जी की हथकड़ी बेड़ी कट गई, पहरे वाले सो गए, फाटक खुल गए, सब योग माया का ही खेल है। योग माया के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। योग माया भगवान की पावर शक्ति, इन्हीं के द्वारा भगवान सारी लीला करते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता है ना, तो पहले से सारी सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है। ऐसे ही जब भगवान कोई से भी रूप में अवतार लेके आते हैं ना, तो सारी व्यवस्था योग माया के हाथ में होती है। ये भगवान की खुद की योग माया है, भगवान की शक्ति स्वरूपा योग माया है। सब चीज योग माया जी। हाँ, सब योग माया के हाथ में होता है।
भगवान कोई भी लीला करती हैं, जैसे महाराज किया तो महाराज में 16,000 गोपियों के साथ में 16,000 कृष्ण प्रकट कर दिए, बसदेव जी की हथकड़ी बेड़ी कट गई, पहरे वाले सो गए, वहाँ मथुरा में भी सबको सुला दिया, यहाँ भी सबको सुला दिया, कब बसदेव जी लेके आए, कब वापस चले गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। जब ये खुद वहाँ मथुरा पहुँची हैं, वहाँ इन्होंने रोना प्रारंभ किया है, जब सबको मालूम पड़ी है, जब सम्मोहन टूटा है, वो योग माया है, वो योग माया आदिशक्ति, आदिशक्ति भगवान की आदिशक्ति योग माया। योग माया में भगवान में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, उन्हीं की खुद की योग माया है। और जैसे राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, श्याम 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 कहती भाई राधे आप ही श्याम भाई, पूछत अपनी सखियों सो प्यारी कहाँ गई। राधा कृष्ण एक दूसरे में इतने तन्मय वो हो जाते हैं, उनको यही पता नहीं कि मैं राधा हूँ कि कृष्ण हूँ। श्याम श्याम कहती भाई राधे आप ही श्याम भाई, पूछत अपनी सखियों सो प्यारी कहाँ गई। तो ऐसे ही वो योग माया भी वही है, कृष्ण भी वही है। हम गोपाष्टमी आती है ना, गोपाष्टमी, गोपाष्टमी के दिन माँ को कृष्ण का श्रृंगार कराते हैं, कृष्ण का श्रृंगार धराते हैं, माँ को कृष्ण बनाते हैं गोपाष्टमी। तो हमारे लिए तो यही कृष्ण है, यही योग माया, यही योग माया। बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है, योग माया के बिना कुछ भी नहीं है। भगवान स्वयं जब महाराज किया ना, भगवान ने महाराज 16,000 गोपियों के साथ में, तो 16,000 गोपियों के साथ में 16,000 कृष्ण प्रकट कर दिए, जितनी गोपी उतने कृष्ण बना दिए योग माया ने, वो योग माया है। यहाँ गोकुल में जन्माष्टमी के दिन रात्रि को 12 बजे जन्म हुआ था इनका, ये जन्म स्थान है। बड़े प्रेम से दर्शन करो, जो भी मनोकामना मांगते हैं मैया पूरी करती है, माता का दरबार है, सच्चा दरबार। महाराज जी कितना समय पहले मंदिर यहाँ पे स्थापना हुई? ये तो बहुत टाइम हो गया स्थापना हुए, पहले कच्चा था, दोबारा से निर्माण हुआ है, यानी कि स्थान प्राचीन, हाँ खुदाई में निकला है, खुदाई में, हाँ पहले सब दब गया था, दोबारा से खुदाई में निकाला गया है। तो स्थान लगभग ये द्वापर का ही है? हाँ द्वापर के समय का ही है, तो भूमि वही है वो, पर निर्माण होता रहता है, जगह सब वही है। तो जैसे यहीं से लेके पार हुए थे बसदेव जी, सामने ये घाट बने हुए, यहीं से लेके बसदेव जी आए, ऊपर नंद भवन है, ये सारा नंद जी का ही एरिया है पूरा। तो एक हम नंदगांव में देखते हैं नंद भवन, एक आपका गोकुल में नंद भवन। वो नंदगांव जो है ना, वो बाद में बसाया गया है। वहाँ क्या था कि यहाँ पे राक्षस आते थे ना रोज, जैसे रोज राक्षस आते भगवान को, तो नंद बाबा यशोदा जी को भय हो गया था कि यहाँ तो रोज राक्षस आते हैं, तो वहाँ नंदगांव के पास में बरसाना है। तो वो ब्रसवानु जी, उनकी मित्रता थी ना, तो उन्होंने ब्रसवानु जी ने कहा कि आप कुछ समय के लिए यहाँ आके रहो, यहाँ कोई राक्षसों का भय नहीं है, इसलिए वहाँ जाके रुके थे, तो वहाँ उसका नाम नंदगांव पड़ा है, नंदगांव पड़ा है। तो बहुत आनंदमय यहाँ की आपने कथा सुनाई महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे भेंट करके। आपका शुभ नाम जानना चाहिए? मनमोहन शर्मा। कितना समय हो गया? मनमोहन शर्मा, मैं बच्चापन से माँ के चरणों में हूँ, बच्चापन से जब से होश संभाला है, माँ का ही, माँ को ही जानता हूँ और किसी को नहीं जानता। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दर्शन है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे भेंट करके महाराज जी। राधे राधे राधे। ये होली का है, होली का सिंह, हाँ होली का। यहाँ के दर्शन जो कि हमने आपको इस वीडियो में कराए, आपको यहाँ के दर्शन कैसे लगे हमें ज़रूर बताना, जैसे कि पुजारी जी ने बताया। और जो योग माया जी का महत्व है कि किस प्रकार वो भगवान की लीलाओं में शामिल रहती हैं, जो भी भगवान लीला करते हैं उसमें योग माया जी का पूर्ण, जिसे कहते हैं, योगदान रहता है। और हमें एक चीज़ अभी पता चली है जो पुजारी जी ने बताया, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं उनसे पूछूंगा और वो क्या बताते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप मेरे पीछे जितने भी नेम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे बराबर में ही कहा जाता है नंद बाबा जी का मंदिर है। और जो प्राचीन मंदिर है नंद बाबा का, यानी कि नंद गाँव से भी जो पहले नंद बाबा जहाँ रहा करते थे वो था गोकुल, और गोकुल में जब रहे हैं तो यहीं पर बराबर में वो स्थान है। तो जो कोई भी भक्तजन यहाँ पे आके सेवा करता है उस मंदिर में, जो भी अपनी सेवा देता है, चाहे वो अपने माता पिताजी के नाम की हो, तो उनकी नेम प्लेट से यहाँ पे सेवा कर दी जाती है। तो वही आप यहाँ पे देख रहे हैं इस मंदिर में, जो कि मेरे बैक साइड में लगी हुई है। तो यहाँ की कथा अगर आपको अच्छी लगी है
और अगर आपको यहाँ के दर्शन अच्छे लगे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। स्पेशली हम आप सभी के लिए ही कोशिश करते हैं कि हम आपको अनसीन प्लेस दर्शन कराएं, तो इसीलिए आज मैं आया हूँ गोकुल में करके। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप सभी को गोकुल से राधे राधे।